महाउत्सव में और यहाँ का रावण आपको दिखाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा रावण देख सकते हैं आप यहाँ पर कनकेश्वरी रावण होगा, लगभग 51 फीट का रावण है। ये है विजयनगर का रावण, आप देख सकते हैं ये 40 फीट का होगा। वैसे हम अलविदा लेते हैं और चलते हैं अब हमारी दूसरी मंजिल पर। इधर एक और रावण बन रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, और यहाँ से चलते हैं अब हम। वैसे इस रावण की हमारे पास डिटेल में जानकारी तो नहीं है। बेटू भी जो है पापड़ का फुल इंजॉय कर रहा है मजे। देख सकते हैं विशाल का रावण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है रावण सेल हो रहे हैं। आप रोड पर देख सकते हैं तरह तरह के रावण हैं, बड़े रावण, छोटे रावण, यही रावण, रावण की गैंग। हमारे YouTube चैनल यार इंदौर व्लॉग्स पर, और आज हम निकल रहे हैं इंदौर शहर के रावण देखने। थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है क्योंकि हमारी एक लाइट खराब हो गई है, जिस कारण हमने फ्लैश चलाया था, बाकी उससे हमारा चेहरा नहीं दिख रहा। तो अब हम निकल दिए हैं इंदौर शहर की रावण देखने की जर्नी में, और बाहर का मौसम थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, पानी जैसा हो रहा है। पानी नहीं गिरना चाहिए भगवान, हमारे रावण का ब्लॉग नहीं बन पाएगा, नहीं तो आज शहर का। और निकलते हैं अब हम इंदौर शहर में, चलते हैं हम गाड़ी उठाकर। हमारा बेटू देखो कैसा सो रहा है गहरी नींद में, और जब सुलाते हैं हम, जब सोता नहीं है अभी सो रहा है। तो बिना देर करे निकलते हैं आपको रावण दिखाने शहर के। दादी को बाय कर लो, बैठो भाई। सबसे पहले हम आ गए हैंगे इंदौर शहर के खजराना क्षेत्र में, और यहाँ का रावण अभी दिखाते हैं आपको। रावण की लोकेशन अगर हम आपको बताएं तो खजराना का जो रावण जलता है, खजराना गणेश मंदिर के ठीक पीछे साइड पर जलता है। देख सकते हैं इंदौर शहर का रावण खजराना क्षेत्र का सामने की ओर। ये है हमारे इंदौर के खजराना का रावण, और बहुत ही शानदार जानदार, और ये जलेगा रात को 9:30 बजे। रावण होगा लगभग 51 फीट का रावण है ये, और पिछले कई सालों से बचपन से हम तो देखते आ रहे हैं अपने निरंतर रावण जो है जलता है खजराने का। खजराना गणेश मंदिर का रावण आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अब यहाँ से जाते हैं हम विजयनगर की ओर। खजराना का रावण कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अब हम निकल रहे हैं विजयनगर का रावण दिखाएंगे आपको। और शहर का जो है खजराना का ब्रिज एक साइड का बन के तैयार है, और 14 अक्टूबर को जो है इसका उद्घाटन है। इंदौर शहर के अब अभी हम रिंग रोड पर, और आप देख सकते हैं मौसम कितना मस्त हो रहा है, और व्यू भी कितना शानदार आ रहा है। यही वाला जो ब्रिज है 14 अक्टूबर को चालू होने वाला है, और इसका उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री आने वाले हैं हमारे यादव जी। अभी हम पहुंचे हैं इंदौर शहर के विजयनगर पर। विजयनगर पर उधर सामने रावण है, आपको दिखाते जाके पास से। और विजयनगर का रावण ठीक विजयनगर चौराहे पर आपको NRK बिजनेस पार्क के सामने ही मिलेगा। आपको रावण नज़र आ रहा होगा, ये रावण कम से कम 40 फीट का होगा, पास से जाके देखते हैं। ये है विजयनगर का रावण, आप देख सकते हैं ये 40 फीट का होगा, और बड़ा ही सुंदर रावण दिख रहा है। कल पानी गिरा था जिसके कारण इसे ढका हुआ है। अपोलो प्रीमियम के ठीक सामने है ये रावण। विजयनगर का रावण आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। NRK पार्क के ठीक सामने, और शाम को ये जलता है जो 9 बजे जल जाता है, तो ज़रूर देखने आए विजयनगर का रावण। शायद ये भी हो सकता है जब तक हमारा ब्लॉग डलेगा रावण जल चुका होगा। तो वैसे हम अलविदा लेते हैं और चलते हैं अब हमारी दूसरी मंजिल पर। इधर एक और रावण बन रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, और यहाँ से चलते हैं अब। देख सकते हैं कि वे टूट गए क्या। अच्छा रावण और दिखता हमें इधर मधुमिलन वाले रोड पर, सॉरी आस्था टाकिज वाले रोड पर। इधर आस्था टाकिज की ओर हम बढ़ रहे थे, और यहाँ पर एक रावण और हमें देखने को मिल जाता है। रावण लेट के आ रहा है पलंग पे, आप गाड़ी पे आप देख सकते हैं। और गाइस इधर से अब हम जाएंगे कनकेश्वरी की साइड, उधर देने देखने रावण कनकेश्वरी मैदान मेन रोड पर अभी हमें इस वक्त। और ये रावण हमें यहाँ पर धड़ दिख रहा है रावण का, देख सकते हैं आप। इंदौर शहर में रावण का उत्साह से बनाया जाता है कार्यक्रम, जगह जगह रावण देखने को मिलते हैं। दूर चौक पे हमें एक रावण दिखता है यहाँ पर नंदा नगर मेन रोड पर, आप देख सकते हैं सामने खड़ा है। और इस रावण की जो हाइट होगी अराउंड ये होगी 30 फीट, 30 से 35 फीट होगी इस रावण की हाइट, आप देख सकते हैं। मतलब नंदा नगर मेन रोड का मजदूर चौक का रावण। इस रावण की हमारे पास डिटेल में जानकारी तो नहीं है कब और कितनी बजे चलता है, बाकी आप रावण को देख के रावण का लुप्त उठाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए हमारे ब्लॉग। नंदा नगर मेन रोड का रावण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चलते हैं अब हम कनकेश्वरी की ओर। मैं, मेरा बेटू और मेरी वाइफ, हम मजे लेते हैं इंदौर शहर के रावण के। और अभी बोलेंगे हमारी वाइफ ऐसे करके वीडियो बनाते हो तुम। बेटू इधर देख, इधर पीछे कनकेश्वरी पहुँच गए हैं, और यहाँ से राइट ले लेंगे तो रावण दिखेगा हमें कनकेश्वरी मैदान का। क्यों मेरे बेटू है ना, रावण देखेगा ना। अच्छी बनती, दिन में तो मस्ती बनती है, इसलिए तो रात में अच्छी नहीं बनती। हाँ रात में थोड़ी उसको जो है प्यास लग गई, तो हमने यहाँ से जो है पानी की बोतल ले ली हमारे बेटू के लिए, जिसे हम भी पियेंगे, है ना बेटू। पानी पियोगे, नहीं लगी प्यास। गाइस अभी हम पहुँच गए हैं ये कनकेश्वरी नवरात्रि महाउत्सव में, और यहाँ का रावण आपको दिखाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है सामने। सॉरी मैदान में आप देख सकते हैं यहाँ पर गरबा
जो होता है, और यहाँ पर रावण का दहन का कार्यक्रम भी होगा जो कैलाश जी द्वारा किया जाएगा, कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा, और यहाँ पर मेला लगा हुआ है इस साइड, यहाँ पर आ सकते हैं आप। इनकी जो हाइट है 51 फीट या 71 फीट रखी गई है, शायद 71 फीट है इसकी हाइट, और अभी जो है इसके पाँव लगना बाकी है। रावण देख सकते हैं आप यहाँ पर, कनकेश्वरी मैदान का जो है रावण आप, और ये रावण आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ का हमारे पीछे आप रावण देख सकते हैं कनकेश्वरी मैदान का, और यहाँ का रावण आप सामने शाम को देखने आ सकते हैं। और अब यहाँ से हम चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं आप कहाँ जाएंगे। कनकेश्वरी मंदिर के सामने आप देख सकते हैं आप यहाँ से जा रहे हैं, है ना, यहाँ में नहीं है तो। तो गाइस अभी हम इधर कलकन्नी के भट्टे से होते हुए चीमन बाग की साइड जा रहे हैं, और यहीं पर झाकियाँ भी देखने आए थे हम, हिमालय की वीडियो नहीं बनाओ। तो गाइस इधर पे से आना पड़ा हमें, उधर रास्ता बंद था पता नहीं क्यों, उधर से जाने नहीं दे रहे थे हमको, तो फिर हमको इधर से आना पड़ा। अब हम पहुँच चुके हैं चीमन बाग का रावण देखने के लिए, आप देख सकते हैं 51 फीट ऊंचा। इस चीमन बाग का रावण आपको कैसा लगा देख के कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए हमने बहुत संघर्ष करा यहाँ तक आने के लिए, बहुत ही लंबा रास्ता घूम के आए क्योंकि आने नहीं दे रहे थे किसी कारणवश। और अब चलते हैं अब यहाँ से हम पापड़ दो पापड़ एक खाने की इच्छा होगी, मेरी वाइफ को भूख लग रही थी, हमने पापड़ ले लिया है, और रावण को देखते देखते थोड़ा सा पापड़ का जो है आनंद उठा लेते हैं। ए टू भी जो है पापड़ का फुल इंजॉय कर रहा है, मजे कर रहा है, क्योंकि ए टू ऐसे पापड़ के मजे कर रहे हो हाँ रावण को देख के। वाह यार चना छोड़ो गर हम खा लेते हैं हम रावण का मजा लेते हुए। तो भाई इस तरीके से रावण का मजा लेते हुए हम रावण खाएगा क्या, रावण को तो पूछ ले रावण खाएगा। ये रावण दहन होगा अभी हमें पता चला है, और 50 साल से जो है रावण दहन हो रहा है यहाँ पे जो है लंका भी। हम यहाँ से चल रहे हैं और अब हम जा रहे हैं दशहरा मैदान, तो यहाँ का रावण के सलाह कमेंट जरूर कर रहे हैं और निकलते हैं। काम हो गया और क्या बेटू चले, हाँ बाबा चलो अपने को मिलता है हमें यहाँ पे चीमन बाग के पीछे साइड पर। जो संतरे बनाया था कैसा दुबला पतला रावण है, जरा ये खाया पिया नहीं है, तो इसे देखते हुए अब निकलते हैं। वहाँ पूरी हम रुक गए यहाँ पर पानी पूरी खाने के लिए ऐसे, तो गाइस बतासे बहुत अच्छे लगे भैया के हमें, इसलिए अभी हम और खाएंगे। जो बतासे खा रही है हम खा रहे कलेक्टर ऑफिस के ठीक सामने खा रहे हैं, तो बहुत ही टेस्टी बतासे खिलाए भैया ने। गाइस पानीपुरी निपटाने के बाद अब वापस अगेन ऑन द वे हो जाते हैं दशहरा मैदान की तरफ रावण देखने के लिए, मिलता हमें यहाँ पर। और ये रावण हमें कलेक्टर से इधर आगे की ओर जाते हुए हमें दिखता है। दशहरा मैदान हम पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा मेले वाला माहौल हो रहा है, एक तरीके का मेला लगा हुआ है यहाँ पे दशहरे का मेला। भाई फाइनली जो है दशहरा मैदान हम पहुँच चुके हैं, और रावण देख सकते हैं यहाँ का रावण होता है 101 फीट का होता है, इंदौर शहर में सबसे ऊंचा जो रावण होता है दशहरे मैदान का होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ का रावण आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, देख सकते हैं विशाल का रावण यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा बेटू और हमारी वही आखिरी रावण है, और इसे आप देख लीजिए, और ये 7:30 बजे जलेगा अगर आपको देखना है, लेकिन हमारा वीडियो जब तक डलेगा शायद आप पहुँच चुके होंगे यहाँ पर। तो कैसा लगा यहाँ का रावण कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए, हम इंदौर के सारे कार्यक्रम उनको कवर कर सके व्लॉग में आने वाले समय में। मेरा बेटू ऐसा गाड़ी पे बैठा है क्या, हाँ बच रहा था दिखाने का हमारा तिलक नगर का, तो तिलक नगर का रावण और देख लेते हैं हम। बस तिलक नगर का रावण जो है बचा हुआ था हमारा देखने का, और ये आप देख सकते हैं तिलक नगर का रावण, एक ही रावण बचा हुआ था तिलक नगर का देखने को, वही है। दहन भी जो है 8:30 बजे हो जाता है। तिलक नगर का जो रावण है बहुत ही सफाई से बनाया जा सकता है, आप इसके कट्स वगैरह देख सकते हैं, मतलब सबसे नीट एंड क्लीन टाइप का लगता है ये, और बहुत ही सुंदर लगता है। इंदौर शहर में सबसे सुंदर रावण जो होता है तिलक नगर का ही होता है। और रावण देख सकते हैं आप यहाँ पर, अही रावण सुर रावण, और बम्बे फोड़ रहा है रावण तो गाइस, एक रावण गिर गया, एक रस्सी बम से यहाँ पर अभी इंतकाल हो गया रावण का। तो गाइस आप यहाँ से चलते हैं हम, अब निकलते हैं घर, और आपको कैसे लगे इंदौर का रावण कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और लेते हैं आप यहाँ से अलविदा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो है मेला भी लगा हुआ है,
तो मेले का भी आप जो है फुल आनंद और लुत्फ़ तो उठा सकते हैं यहाँ पर आकर। और अब हम निकलते हैं यहाँ से, रावण बिक भी रहे हैं आप देख सकते हैं। पीने का यहाँ पर तो रावण का अच्छा खासा मार्केट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है रावण सेल हो रहे हैं। जब पी लें और गाइस रावण फॉर सेल। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है रावण सेल हो रहे हैं, आप रोड पर देख सकते हैं तरह तरह के रावण हैं, बड़े रावण, छोटे रावण, सही रावण, रावण की गैंग, रावण ऑन सेल। गाइस आपने जीवन में पहली बार रावण की सेल नहीं देखी हो तो जीवन में पहली बार रावण की सेल देख लो, रावण इज फॉर सेल। गाइस यहाँ पर रावण का अच्छा खासा मार्केट देखने को मिल रहा है। तो भाई इंदौर शहर में अच्छा खासा रावण सेल हो रहे हैं, पूरे रोड पे जो है रावण बिक रहे हैं। सेल सेल सेल, रावण की सेल, आइए और रावण ले जाइए, अच्छे सस्ते सुंदर दामों में आइए और रावण ले जाइए। सेल सेल सेल, रावण की सेल। और गाइस रावण बिक भी रहे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है रावण को ले जाया जा रहा है। तो भाई इंदौर शहर में रावण की सेल, छोटे बड़े, मोटे बड़े, पतले, सभी प्रकार के रावण यहाँ मिलेंगे आपको। तो सेल 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 इंदौर की। अब निकलते फटाफट घर क्योंकि शाम हो गई है। भाई जो है मम्मी पापा को पार्टी दे रही है इसके बर्थडे की, तो हमने चिकन ले लिया अभी इधर से, हमारी वाइफ जो है पार्टी दे रही है। तो फाइनली ब्लॉग को हम समाप्त करते हैं और घर की ओर निकलते हैं।